हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी माइंड। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे, वो भी इसमें एकदम स्मूथ तरीके से, एकदम सिंपल वे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास रियलमी का फ़ोन है और आपको अपना सेटिंग ओपन कर लेना है, ठीक है। आप इसको कई सारे तरीके से ओपन कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन, लेकिन हम आपको अभी पहला तरीका ये बताते हैं। आपको अपनी सेटिंग ओपन कर लेना और अभी हम इसमें नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं कन्वीनियंस टूल वाले ऑप्शन में, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे और सारे मोबाइल में इसी तरह से होता है, सारे मोबाइल में आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है एक ऑप्शन स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा है। तो बेसिकली ये ऑप्शन ये होता है कि स्प्लिट स्क्रीन का मतलब ये है कि आप एक टाइम पे दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दो ऐप यूज़ कर सकते हैं और अपनी मल्टीटास्किंग को और भी आसान और स्मूथ बना सकते हैं। लेकिन मतलब एक टाइम पे आप दो काम कर सकते हैं आसानी से स्प्लिट स्क्रीन की मदद से। फ्रेंड्स, आप जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पे आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आप कैसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको जैसे कि दो अपना ऐप ओपन करनी है, तो पहले यहाँ पे आप थ्री फिंगर यहाँ पे जैसे नीचे से ओपन करेंगे तो आपकी जो है ये इस तरह से ड्रॉअर खुल जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपको, अभी हम सेटिंग में हैं, अगर यहाँ पे जैसे कि हमें फ्लिपकार्ट भी ओपन करना है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने आ गया है, यहाँ पे हमारा फ्लिपकार्ट भी ओपन हो रहा है और यहाँ पे हमारी सेटिंग भी, ठीक है। सो दोनों ही चीज़ों को, चाहे वो सेटिंग हो, अभी देखिए सेटिंग हम बैक कर रहे हैं, ये भी एकदम स्मूथ तरह से चल रहा है। जो भी हमें यहाँ पे फंक्शन करना है वो करेंगे, और यहाँ पे हमें कुछ शॉपिंग करनी है या कुछ सर्च करना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप छोटा बड़ा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, या अगर आपको खाली, देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट अभी जो है थोड़ा स्मॉल हो गई स्क्रीन और ये जो है सेटिंग की बड़ी हो गई है, आप अपने काम के पर्सपेक्टिव से छोटी बड़ी स्क्रीन कर सकते हैं। और अगर आपको खाली फ्लिपकार्ट चलाना है या खाली अभी आपको सेटिंग ही चलाना है, तो आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये अपने आप जो है नीचे भी चला जाएगा, बंद हो जाए। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको पहले तरीके से बताया कि आप कैसे स्प्लिट स्क्रीन ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका जिसकी मदद से भी आप स्प्लिट स्क्रीन ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपने रिसेंट टैब में आएंगे, रिसेंट टैब में आने के बाद अगर हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्लिपकार्ट है और यहाँ पे आपको दो ऊपर छोटे छोटे विंडो मिले हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, लॉक करना है, फ्लोटिंग विंडो, मिनी विंडो, स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे आप जो है जब स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका स्प्लिट स्क्रीन खुल गया और आप यहाँ पे जो भी आपको करना है आप अपना मल्टीटास्किंग करिए, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी हम आपको तीसरा मेथड बताते हैं। अभी हमने आपको दो मेथड बता दिए, वो भी एकदम सिंपल है और सारी आपकी आसानी के ऊपर है, ठीक है। आपका जो बन गया आप उस तरह से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको बैक कर देते हैं और यहाँ पे अगर आप इसको जो है अपना ये वाला जो है रिसेंट टैब का जो थर्ड बटन होता है, जब जैसे कि अभी हम फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं और ये जो हमारा रिसेंट वाला बटन होता है, अभी हम इसके ऊपर देर तक लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी हमारा स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसमें आपको जो भी मल्टीटास्किंग करना है, जो भी दूसरा ऑप्शन यूज़ करना है, तो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं, अभी हमने स्प्लिट स्क्रीन में कैलकुलेटर यूज़ करा, ठीक है। तो देखिए, बहुत से ऐप ऐसे होते हैं जो स्प्लिट स्क्रीन नहीं सपोर्ट करते, मतलब उसमें आप एक टाइम में एक ही ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये कैलकुलेटर है, वो भी स्प्लिट स्क्रीन को अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, आगे में भी कर जाए तो बात अलग है, तो ये नहीं कर रहा है। और जो आपकी गैलरी होती है, वो भी स्प्लिट स्क्रीन जो है सपोर्ट नहीं करती है। तो कुछ ऐप ऐसे हैं जो स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट नहीं करते, आपको लिख के भी आ जाएगा, तो आप परेशान मत होइए, वो आपकी मोबाइल की कोई खराबी नहीं, ना स्प्लिट स्क्रीन उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो जो जो सपोर्ट करता है आप उसका एंजॉय कर सकते हैं, उसको यूज़ करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि स्प्लिट स्क्रीन कैसे यूज़ करते हैं इस ऑप्शन को। और भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आपकी डिटेल वीडियो लाएंगे, बनाएंगे। और अगर आपको कुछ भी टॉपिक चाहिए नया, तो आप हमें कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए। अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बाय बाय।